الحمد لله الحمد لله يرحم من عباده الرحماء أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी मुश्किल तेरी आसा कुरान पढ़ा कर लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगा लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगा तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर मेरे इंतहाई वाजिब अल एहतराम जनाब असातिदाए किराम और हम सफर हम मकतब हम मिशन साथियों आज मैं जो मौज़े सुखन लेकर हाजिरी खिदमत हुआ हूँ वो है कुरान और हाफिज़े कुरान की फजीलत। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम बेशक ये कुरान उसी रास्ते की तरफ ले जाता है जो सबसे सीधा रास्ता है। कुरान मजीद के पहली पारा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन बेशक ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं और हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं ये वो कलाम है जिसको कभी सवाल नहीं। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं न फसाहत व बलागत में न औसाफ व फसाइल में न अहकाम व फरमूदात में न बयान व कलाम में हर एतबार से बेनजीर और बेमिसाल है। ये वो नुस्खे कीमिया है जो हमको हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मिला है। शायर कहता है उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया वो बिजली का कड़का तया सोत हादी अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। सामेईनी मोहतरम कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने खुद ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले है। कुरान में बातिल की घुसने की गुंजाइश न आगे से है न पीछे से है न दाए से है न बाए से है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैही वला मिन खल्फिही तंज़ीलु मिन हकीमिन हमीद। कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कराई कि हुफ्फाज़ ने उसको अपने सीनों में महफूज किया कुर्रा हज़रात ने इसके तरीके और इसके लब व लहजे को महफूज किया उलमा हज़रात ने इसके तराजुम और तफा तफसीर को महफूज किया। कुरान मजीद ने मुनकिरीन कुरान को जो चैलेंज 1400 साल पहले दिया था वो 1400 साल पहले ही के लिए नहीं था बल्कि वो चैलेंज आज भी है। कुरान आज भी ऐलान करता है قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر جنات اور انسان مل کر اس قرآن جیسا بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم पर नाजिल किया तो लाओ ऐसी से कोई एक सूरत। सामेईन मोहतरम कुरान मजीद को तमाम कलाम पर इसी तरह फजीलत हासिल है जिस तरह खुद रब कायनात को तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है। अब वो बंदा जो इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला हो उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हाफिज़े कुरान दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ है हाफिज़े कुरान आखिरत में भी मुअज़्ज़ज़ होगा।
हाफिज कुरान आखिरत में इस तरह मुअज्जज होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा इज्जत देगा कि हाफिज कुरान को फरमाएगा कि और जन्नतियों के दर्जात तो मैंने मुतय्यन कर लिए है, लेकिन आप अपने दर्जे को खुद मुतय्यन कर लो। कुरान पढ़ता जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जाओ, तुम्हारा मुकाम वही होगा जिस वक्त तुम आखिरी आयात पढ़ोगे। गोया तो वही सूरत होगी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सामईनी मोहतरम, ऐसा हाफिज़े कुरान जो आमिले कुरान भी हो उससे कहा जाएगा कि आप खुद बताओ कि आपका क्या मुकाम मर्तबा होना चाहिए। तो मुबारक है वो बच्चे जो इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले हो, मुबारक है वो जुबान जिसके ऊपर कुरान को पढ़ा जाता हो, मुबारक है वो असातिज़ाए किराम जिनकी जिंदगी इसके दर्स और तदरीस में लग गई है। आखिर में आखिरी आजिज़ाना गुजारिश करके आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाए, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाए, अपने बच्चों को ताजिर बनाए, साइंसदान बनाए, उनको उर्दू भी पढ़ाए, अंग्रेजी भी पढ़ाए, लेकिन इसी के साथ साथ उसी को हाफिज़े कुरान बनाए। अगर आपके बच्चे के पास 20-50 डिग्रियां है लेकिन अगर उसके साथ कुरान का डिग्री नहीं तो नाकाम है। अगर आपके बच्चे के पास एक डिग्री भी नहीं मगर हाफिज़े कुरान की डिग्री है तो दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, इस वजह से कि कुरान जिस रब का कलाम है वो उसको नाकाम करने नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।